बहन की तरबियत का असर भाई पर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उनके घर मिलने के लिए आए। उस दौरान वो वज़ू करने लगे, उनकी एड़ी का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये भाई, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि जिस आदमी के पाँव का कुछ हिस्सा भी वज़ू में खुश्क रह जाएगा, क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। बहन की ये बात सुनकर भाई ने दोबारा वज़ू किया और मस्जिद तशरीफ़ ले गए। इससे मालूम हुआ कि सहाबियात अपने भाइयों को भी नेकी की तालीम दिया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तय कर लिया कि मेरी बीवी फ़ौत हो चुकी है, अब मैं दोबारा निकाह नहीं करूँगा बल्कि अपने आप को पढ़ने पढ़ाने में मशगूल रखूँगा। जब इनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला तो फरमाने लगे, ये भाई, तुम अभी जवानी की उम्र में हो, तुम निकाह का इरादा क्यों तर्क कर चुके हो? अगर तुम निकाह करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें साहिब औलाद बनाएगा। अगर औलाद ईमान वाली होती है तो वो अपनी ज़िंदगी में जितनी सांसें लेती है हर सांस के बदले इनके माँ बाप के नामे आमाल में अल्लाह तबारक व तआला एक नेक लिख देता है। तुम इस सदक़े जारिया से क्यों महरूम होते हो? उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में बात की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया और उन्होंने दोबारा निकाह करके फिर अजवाजी ज़िंदगी गुजारी। इससे पता चला कि पहले वक्त की बहनें अपने भाइयों को दीन की तरफ मुतवज्जा किया करती थी।